हाय स्टूडेंट, मैं आपके लिए महत्वपूर्ण सवाल लेकर आया हूँ झारखंड का जी, और चर्चा करने वाले हैं अभी। याद रखिएगा मेरे लाडलो, झारखंड में पाए जाने वाले किस एक वृक्ष से शराब प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है? शराब प्राप्त होता है कौन पेड़ से? तो याद रखिएगा, महुआ का पेड़ से। कौन सा पेड़ से? महुआ के पेड़ से। याद रखिएगा मेरे लाडलो, शराब प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? शराब प्राप्त होता है महुआ के पेड़ से। किस राज्य में? झारखंड राज्य में जी। याद रखिएगा, गौतम घाट जलप्रपात, क्या नाम बताए? गौतम घाट जलप्रपात किस जिला में है? तो याद रखिए, गौतम, याद रखिएगा, ये लातेहार जिला में स्थित है। गौतम घाट जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो लातेहार जिला में स्थित है। हाँ, याद रखिएगा, ये छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। कौन? लातेहार कहाँ स्थित है? छोटा नागपुर पठार पर स्थित है जी। याद रखिएगा, लातेहार का स्थापना 4 अप्रैल 2001 को हुआ था। कब बताया? 4 अप्रैल 2001 को लातेहार का स्थापना हुआ था जी। याद रखिएगा मेरे लाडलो, गौतम घाट जलप्रपात की बताया, क्या बताया? गौतम घाट जलप्रपात। कमेंट में बताओगे घुडरू जलप्रपात कहाँ स्थित है जी। याद रखिएगा कि झारखंड में सरस्वती योजना, कौन सा योजना बताया? सरस्वती योजना जी। याद रखिएगा, झारखंड के किस विभाग द्वारा शुरू किया गया? तो कौन सा योजना बताया? सरस्वती योजना बताया। कौन सी योजना बताया? सरस्वती योजना। तो ये श्रम विभाग ने शुरू किया था। कौन सा विभाग बताया? श्रम विभाग ने शुरुआत किया था, और कब शुरू किया? 1 अप्रैल 2014 को। 1 अप्रैल 2014 को याद रखिएगा सरस्वती योजना की शुरुआत किया गया झारखंड में। सरस्वती योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट में बताओ किससे रिलेटेड है। कमेंट में बताओगे सरस्वती योजना किससे संबंध है जी। याद रखिएगा, झारखंड में राम रेखा धाम मेला, क्या बोले? राम रेखा धाम मेला का आयोजन किस जिला में होता है? तो याद रखिएगा, राम रेखा धाम मेला जो है, याद रखिएगा, ये सिमडेगा में होता है। कहां होता है? सिमडेगा में जी। याद रखिएगा, सिमडेगा कहाँ स्थित है? दक्षिण पश्चिम हिस्सा में स्थित, दक्षिण पश्चिम हिस्से में स्थित है जी। और सिमडेगा में कितने प्रखंड है? तो 10 प्रखंड है। कौन सा जिला बताए? सिमडेगा में कितना प्रखंड बताए? तो 10 प्रखंड बताए जी। और याद रखिएगा, सिमडेगा की स्थापना 30 अप्रैल 2001 को हुआ। सिमडेगा की स्थापना कब बताए? 30 अप्रैल 2001 को हुआ। अच्छा, सिमडेगा याद रखिएगा, यहाँ पर राम रेखा धाम मेला लगता है। क्या बोले? राम रेखा धाम मेला का आयोजन सिमडेगा में होता है, और सिमडेगा का स्थापना 30 अप्रैल 2001 को हुआ था जी। याद रखिएगा, डोमकच नृत्य, सवाल पूछता है कि डोमकच नृत्य कहाँ नाचा जाता है जी? तो विवाह पर यह किया जाता है। कौन सा नृत्य बताया? डोमकच नृत्य। याद रखिएगा, विवाह पर किया जाता है। हाँ, और याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे लाडलो, झारखंड का पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कौन पर, क्या बताया? पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह हजारीबाग में स्थित है। हाँ, हजारीबाग, हजार बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? हजारीबाग को। कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो 2 शब्दों से मिलकर बना है जी। और याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1912 में किया गया था। कब बताया? 1912 में। किसका? पुलिस प्रशिक्षण केंद्र का। किस जिला में है? तो हजारीबाग जिला में स्थित है जी। और याद रखिएगा मेरे लाडलो, झारखंड में कोयले की खान उत्पादन की दृष्टि से जो सबसे बड़ा खान कौन सा है? क्या बताया? कोयला नहीं, किसको कहा जाता है? धनबाद को कहा जाता है। और कोयला का उत्पादन करने में, याद रखिएगा, प्रथम स्थान झारखंड रखता है जी। और याद रखिए, सबसे बड़ी जो खान है वो झरिया का कोयला का खान है। क्या बताया? झरिया कोयला खान। क्या नाम बताया? झरिया कोयला खान जी। और याद रखिएगा मेरे लाडलो, झारखंड में सर्वाधिक लोह आज के जो पाया जाता है वो हेमाटाइट में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? हेमाटाइट जी। कोयला उत्पादन में झारखंड का स्थान क्या बताए? प्रथम स्थान बताए जी। याद रखिएगा मेरे लाडलो, झारखंड में शिवपुर सोवा
गर्म जलकुंड, शिवपुर जो गर्म जलकुंड है किस जिला में स्थित है? तो ये पाकुड़ जिला में स्थित है। कौन सा जिला बताया? पाकुड़ जिला बताया जी। और याद रखिएगा मेरे लाडलो, माल पहाड़ी जनजाति, माल पहाड़ी जनजाति कहाँ पाई जाती है या सर्वाधिक संख्या कहाँ है? तो माल पहाड़ी जनजाति की जो सर्वाधिक जो संख्या है वो संथाल परगना में स्थित है। कहाँ पर? संथाल परगना में सर्वाधिक माल पहाड़ी जनजाति पाया जाता है जी। और याद रखिएगा मेरे लाडलो, मोहली जनजाति जो है वो शिल्पी जनजाति के जैसा है जी। शिल्पी जनजाति में कौन आता है? तो मोहली जनजाति आता है। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले। जय हिंद, थैंक यू।